कहते हैं कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, इंसान को काम चाहे वो बड़े आसानी से कर लेता है। महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो पुरुषों की हिम्मत को भी जवाब दे रही है। यह तस्वीर अंबिकापुर की है, जहाँ तारा प्रजापति नाम की महिला अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर ऑटो रिक्शा चलाती है और अपने बच्चे का भी पूरा ध्यान रखती है। परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने से तारा पिछले 5 सालों से ऑटो रिक्शा चला रही है। बता दें, तारा ने 12वीं क्लास तक कॉमर्स से पढ़ाई की है। उसने अपने पति का साथ देने और घर चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। वो गरीब और जरूरतमंद लोगों से पैसे नहीं लेती है। तारा अपने 3 बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहती है, जिसको लेकर तारा अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रही है। हाँ, तकलीफ तो होती है, इतने से छोटे बच्चे को घर में रहना चाहिए, लेकिन ये ऑटो चला रही हैं क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और हम सभी महिलाएं इनका सपोर्ट करते हैं। पारी पारी से तो अभी मतलब थोड़ा बड़ा भी हो गया, छोटा रहता जो नहीं, गोद में हम लोग पारी पारी लेते थे, फिर ये इनके सवारी भर देते थे, फिर ये जाती थी करके, कोई भी तरीके से इनका सपोर्ट करते हैं हम लोग हर तरीके। अंबिकापुर में इस वक्त हम खड़े हैं गांधी चौक पे। गांधी चौक में महिला ऑटो चालक जो होती है, महिलाएं चलाती हैं, लेकिन अंबिकापुर में एक महिला ऐसी भी है जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर ऑटो चला रही है। अब इनकी मजबूरी है या क्या, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ भी बता दूँ कि ये महिला 12th भी पास है, वो भी कॉमर्स से। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी क्या मजबूरी है और कैसे ये अपने हालातों से मजबूर होकर अपने बच्चों को लेकर ऑटो चला रही हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। तारा प्रजापति। आप छोटे से बच्चे को लेकर ऑटो चला रही हैं, कब से चला रही हूँ, कितने दिन से, क्या परेशानी होती है? ये 3 महीने का था, उस समय 3 महीने का था तब से मैं लेके चला रही हूँ। उस टाइम तो खैर ऐसे लेने पे नहीं बनता था, तो यहाँ कोई ना कोई इसको पकड़ देता था, तब मैं सवारी छोड़ के आती थी। अब तो पकड़ के बन जाता है। बीच में लॉकडाउन हो गया था तो थोड़ा सा मतलब टाइम मिला, नहीं चलाई उसमें, फिर अब कंपलसरी चला रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं जो बच्चों को लेकर आपको ऑटो चलाना पड़ रहा है? क्योंकि ऑटो तो जो सड़क में धूल भी होती है, बच्चों के लिए हानिकारक भी होता है, लेकिन उसके बाद भी आप इतना रिक्स लेके बच्चों के साथ आप ऑटो चला रही हैं। एकदम हम लोग का ना आर्थिक स्थिति एकदम ठीक नहीं है, एकदम मजबूरी है, चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब घर में बैठ जाएंगे तो चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा घर में बैठने से, बस यही वजह है कि चला रही हूँ मैं। आप पढ़ी लिखी भी हैं, 12th से कॉमर्स भी की हैं, लेकिन आप एक ऑटो करा लाइन जो चुनी, कैसे चुनी? मैं पहले ना दुकानों में काम करी, मतलब ऑटो जब नहीं था मेरे पास, बहुत ज़्यादा मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद भी पैसा कम मिला, फिर जिल्लत मिला वो अलग, फिर बाद में पता चला कि ऑटो भी ऑप्शन है, यहाँ सीख रही हैं महिलाएँ ऑटो, तो फिर मैं भी सोची कि सीख लेती हूँ करके, फिर सीखी और बाद में फिर चलाने लगी, तो अपना काम है ठीक है। हाँ, ये है कि रिस्की है थोड़ा चलाना, लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा घर चलाने के लिए। जी, हमारे साथ ही यहाँ जो ऑटो चालक महिलाएं बच्चों को लेकर जो ऑटो चला रही हैं, मजबूरी है इनकी, भरण पोषण का भी दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उन महिलाओं के लिए प्रेरणादायक भी है जो महिला सोचती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए महिला बहुत बड़े प्रेरणादायक हैं। और अंबिकापुर साधना न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट।